टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। लॉकडाउन का नियम तोड़कर बर्थडे पार्टी मनाते वीडियो वायरल हुआ। इसके पहले टिकटॉक स्टार अदनान शेख की व उनके साथियों की बर्थडे पार्टी वाला वीडियो वायरल हुआ था, जिस पे बांद्रा पुलिस ने एक्शन लिया था। अब एक और थाने से फिल्मी स्टाइल में बर्थडे पार्टी मनाते हुए वीडियो वायरल हुई है। दरअसल थाने में कैपिटल होटल है और उस होटल को क्वारंटाइन सेंटर डिक्लेयर किया गया था। इस कैपिटल होटल में टोटल 32 कमरे हैं और 25 कमरे थाने पुलिस और डॉक्टर के रहने के लिए दिया गया था। इनमें उन पुलिस वालों और डॉक्टरों को अनुमति दी गई है जो कोरोना से संबंधित काम कर रहे हैं। 7 कमरे बुक किया था बर्थडे पार्टी के लिए। इन तस्वीरों में तो कई लड़कियां और लड़के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन्हीं में से एक लड़की की बर्थडे पार्टी थी जो मनाई गई। पार्टी में आए हुए लड़की लड़के किस तरह से झूम रहे हैं, शराब और धुआं दोनों उड़ा रहे हैं। यही नहीं, ना तो इनके किसी के चेहरे पर मास्क है, बस स्पीकर लगाकर झूमने में मस्त हैं। पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले, कोयला चले लो इसकी शिकायत एक सोशल वर्कर ने की तो पुलिस कैपिटल होटल पर पहुंची, लेकिन शायद उन्हें इस बात की भनक लग गई थी, होटल से सभी लोग पलायन हो गए। लेकिन चितलसर पुलिस ने सोशल वर्कर के शिकायत के बाद इस पूरे मामले की छानबीन करना शुरू कर दी। किसने रूम बुक किया था, कब आए थे, यहाँ तक पुलिस ने होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले। बाद पुलिस ने डिजास्टर एक्ट के तहत धारा 188 व अन्य धाराएं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने पूरी तहकीकात करने के बाद वायरल वीडियो बताया है 18 और 19 के बीच का है और एक दिन के बाद वीडियो वायरल हुआ था। हम आपको सुनाते हैं पुलिस ने क्या जानकारी दी है। थाना पुलिस के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट आया था कि कैपिटल होटल में कोई लड़के लोग पार्टी कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं और पार्टी कर रहे हैं, ऐसा मैसेज आया था। ये 20 तारीख को रात में 1:30-2 बजे ट्वीट हुआ था। तुरंत हमारा स्टाफ उधर भेजा तो उस वक्त उधर होटल में कोई मिला नहीं है। होटल व्यवस्था को जानकारी लिया तो 18 और 19 के नाइट में 7 रूम बुक किया हुआ था और वो रूम बुक करके एक लड़की का बर्थडे रूम नंबर 201 में मनाया जा रहा था। वो इंसिडेंट का क्लिप एक दिन बाद वायरल हुआ था। तो जानकारी ली हमने, मालूम पड़ा है, सीसीटीवी फुटेज देखा है और जो वायरल क्लिप हुआ था उसका हमने उपयोग किया है और कौन कौन लड़के थे, किसने रूम बुक किया, वो जानकारी ली है और हमने केस रजिस्टर कर लिया है। ये थाना पुलिस को ट्वीट किसने किया है? ये थाना पुलिस को ट्वीट सोशल वर्कर विन वर्गीस ने किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों की ओर से हमने मानपाड़ा पुलिस स्टेशन में एक तकरार दाखिल की है। कैपिटल होटल माजुड़ा थाने में उन्होंने 17 जुलाई 2020 को, जबकि पूरे थाने जिला में लॉकडाउन घोषित किया गया था, तभी अपने रूम्स केवल पैसों के लिए बच्चों को पार्टी करने के लिए उपलब्ध करके दिए। उसके सारे क्लिप्स जो 17 जुलाई को बच्चों को पार्टी करते वक्त के रूम में 15 से 20 लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए और दारू पीते हुए और अश्लील हरकतें करते हुए जो वीडियो है वो भी हमने पुलिस को दिखा के उसकी कंप्लेंट की है। अब तक पुलिस ने कार्रवाई करने का हमको भरोसा तो दिया है, पर अब तक कोई
ठीक से जांच हो नहीं पाई है, तो हम मीडिया माध्यमों से अनुरोध करते हैं कि वो हमारा साथ दे और जब तक होटल के ऊपर ठीक से कार्रवाई ना हो और उन्हें दंड प्रेरित ना हो तब तक हमारा साथ दे। धन्यवाद। तो आपने सुना लॉकडाउन की नियम कैसे तोड़ा गया और बर्थडे पार्टी भी किसी फिल्मी स्टाइल से कम नहीं है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर लिया है और इन्हें तलाश कर रही है। आखिर वो कौन लोग हैं, कहां के हैं, इसकी पूरी तलाश कर रही है। जल्द ही पुलिस का कहना है हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।